नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फल के शब्द रूप, फल जो कि नपुंसक लिंग है। तो फल के शब्द रूप क्या होते हैं? एक वचन में होता है फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, और संबोधन में होता है हे फल। तो इसको हम पहले याद करेंगे एक वचन के सभी रूप, फिर द्विवचन के, और उसके बाद बहुवचन के। तो एक वचन में क्या होता है? प्रथमा में होता है फलम और द्वितीय विभक्ति में भी होता है फलम। दोनों शब्द रूप एक समान है, यानी कि फलम प्रथमा में भी होता है और द्वितीय में भी होता है फलम। दोनों में एक समान होते हैं, फलम, फलम। उसके बाद है फलेन, फिर है फलाय, उसके बाद फलात, फिर फलस्य, और उसके बाद फले। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। तो इस प्रकार से यदि हम याद करेंगे तो इसको हम याद रख सकते हैं आसानी से। इसमें हम आसानी से याद करने के बाद इस तरीके हम याद करते हैं, यदि फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलई। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि किस विभक्ति में, कौन से वचन में कौन सा शब्द रूप है। तो इसलिए हम सबसे पहले एक वचन याद करेंगे, उसके बाद द्विवचन, और उसके बाद बहुवचन। तो एक वचन में क्या है? प्रथमा में है फलम और द्वितीया में है फलम, तृतीया में फलेन, चतुर्थी में फलाए, पंचमी में फलात, षष्ठी में फलस्य, और सप्तमी में फले। तो इसको हमें इस प्रकार से याद करना है, फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य और फले। फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले। और द्विवचन में क्या है? फले, फले, यानी कि प्रथमा और द्वितीया एक समान। उसके बाद फलाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक समान। फिर फलियोः, फलियोः, षष्ठी और सप्तमी एक समान, यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एक समान, फले और फले, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के रूप एक समान होते हैं, फलाभ्याम, 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 और षष्ठी सप्तमी में एक समान, फलियोः, फलयोः। द्विवचन फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलियोः, फलयोः। फिर इसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में क्या है? फलानि, फलानि, फलैः, फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलानां, फलेषु। इसमें भी क्या है? बहुवचन में भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान है, प्रथमा फलानि है और द्वितीय में भी फलानि है। बहुवचन में फलानि, फलानि, फलैः, फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलानां, फलेषु, ये हैं बहुवचन के। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फलानि, फलानि, फलैः। तृतीय विभक्ति में क्या होता है? फलैः। चतुर्थी में फलेभ्यः, पंचमी फलेभ्यः, षष्ठी क्या है? फलानाम, और सप्तमी फलेषु। इसमें चतुर्थी और पंचमी एक समान है, प्रथमा द्वितीया एक समान, फलानि, फलानि, तृतीया में फलैः, फिर चतुर्थी पंचमी एक समान, फलेभ्यः, फलेभ्यः, षष्ठी में फलानाम और सप्तमी में फलेषु। फिर से पढ़ लेते एक वचन के, फलम, फलम, फिर फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। कैसे याद करना है? फलम, फलम, फलेन, फलाय, उसके बाद फलात, फलस्य, फले। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। एक वचन के शब्द रूप हैं फल के, फलम, फलम, फिर उसके बाद में फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। द्विवचन में क्या है? फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलियोः, फलियोः। तो क्या है? द्विवचन में एक, यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक समान है, फले और फले, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों एक समान, फलाभ्याम, फलाभ्याम और फलाभ्याम, फिर षष्ठी और सप्तमी दोनों एक समान, फलियोः, फलियोः। बहुवचन में क्या है? प्रथमा द्वितीय दोनों एक समान, फलानि, फलानि, फिर तृतीया में क्या है? फलैः है, चतुर्थी पंचमी दोनों एक समान, फलेभ्यः, फलेभ्यः, षष्ठी में फलानाम और सप्तमी में फलेषु। तो ये हैं फल के शब्द रूप। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक वचन में फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात,
फलस्य फले। तो हमें इस प्रकार से याद करना है, पहले एकवचन के, फिर द्विवचन के और फिर बहुवचन के। तो द्विवचन में क्या है, फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः। बहुवचन में फलानि फलानि, फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानाम और फलेषु। तो इस प्रकार से यदि हम शब्द रूप याद करते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।